नमस्ते, मेरे शाहूजी सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गोभी साका को साथ एक खसखस के रेसिपी बना के दिखाऊंगी। पानी में गोभी साका को काट के धो के रखे थे और एक आलू दे के अच्छे से बॉईल कर लेंगे। एक तो उबल आने के बाद उसको छान लेंगे। कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल के साथ 1 छोटा चम्मच कलौंजी, छोटा सा 1 प्याज, ये ऑप्शनल है प्याज, अच्छे से फ्राई करके गोभी साका को, बॉईल किए हुए गोभी साका को दे के थोड़ा सा नमक दे के पकाएंगे। आलू गोभी साका से ज़्यादा सख्त सब्जी है, इसलिए गोभी साका को पहले दिए थे, अभी आलू को डाल देंगे। थोड़ा सा और भी नमक देंगे, नहीं तो आलू में नमक नहीं जाएगा। 2 ठो हरा मिर्च देके अच्छे से तैल के 1 कप लगभग पानी डाल दिया। ढक के मीडियम फ्लेम में रखेंगे। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन अलग करके देखेंगे सारे सब्जी बॉईल हो गया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़्यादा हल्दी देने से खसखस का रेसिपी अच्छा नहीं बनता है। 2 बड़ा चम्मच खसखस को पेस्ट कर लिए थे, उसको डाल देंगे। अच्छे से डाल के मिला लेंगे। ढक के धीमी करके फ्लेम को 3 से 4 मिनट पका के थोड़ा सा शुगर दे के, शक्कर दे के ऊपर से 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल के और 2 मिनट पका के चूल्हा को बंद कर देंगे। ढक के रखेंगे। मैं बहुत ही थैंकफुल, ग्रेटफुल हूँ आप लोगों से। आप सबने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर रहे हो। मेरे ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।